हज़रत फ़ख्र जहाँ देलवी, और ये हज़रत फ़ख्र जहाँ देलवी ये मुआरशरी वालों के पीर हैं दिल्ली में। और मज़े की बात यह है, मैं दिल्ली में जब हाजिर हुआ तो मैं उनके मज़ार पे गया तो पता लिखा क्या वहाँ, हज़रत मौलाना फ़ख्र जहाँ देलवी। मैं क्या साढ़े पाकिस्तान थे हज़रत मौलाना नो पीर मन दही कोई नहीं, वो तो हज़रत मौलाना का पीर से क्या था लोग, जो हज़रत मौलाना हो वो तो पीर नहीं, उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो कभी मौलाना ना हो। अल्लाह खैर करे सारे इल्मे लदुन्नी वाले इल्ला माशाअल्लाह, हम इन चीज़ों के कायल हैं। पर देखो ना, अगर मेरे नबी दीन पढ़ाते थे और सहाबा पढ़ते थे तो दीन पढ़ने पढ़ाने को तुम तरीकत समझते ही नहीं, यही तो हुसन है सारे का सारा, यही तो वकार है। अल्लाह करे इस तरह के आस्थाने हों जहाँ दरस निज़ामी वालों की दस्तारें हो रही हैं, यहाँ हाफिज़ों की दस्तारें हो रही हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन तो कह दें। हज़रत मौलाना फ़ख्र जहाँ देलवी जामे मस्जिद दिल्ली में खुतबा देते थे, बहुत बड़े सूफ़ी थे, और अल्लाह ने उन्हें करामत अता फरमाई थी कि उनके सामने जो शख्स आता था ना, उसे बताना नहीं पड़ता था कि मेरे दिल में क्या है। बंदा आके खड़ा होता तो हाथ उठा देते, कहते या अल्लाह ये बे औलाद है, दुआ कराने आया है। और अब मेरा सुन्नी भी दलील से मानता है ना, अब इसे भी दलील देनी पड़ती है, अब मैं दलील दूंगा तो आप मान जाएंगे। तिर्मिज़ी में हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया इत्तकू फ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहू यंज़ुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मोमिन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। जो बंदा सामने खड़ा होता ना, तो हज़रत शेख फ़ख्र जहाँ देलवी फरमाते ए अल्लाह बे औलाद है, दुआ कराने आया। दूसरा आता तो कहते अल्लाह बेरोज़गार है, दुआ कराने आया। शोहरत बड़ी हो गई, जब किसी साले आदमी की शोहरत ज़्यादा होती है तो हासदीन भी पैदा होते हैं। बादशाह वक्त को परेशानी लग गई कि ये मौलाना पीर अगर मजबूत हो गए मेरी हुकूमत के लिए ख़तरा ही ना बन जाए। उन्होंने एक चाल चली, तवायफ थी दिल्ली की, उसको कुछ पैसे दिए, उसे कहा तूने एक्टिंग करनी है और इस बाबे को बदनाम करना है किसी भी तरीके से। वो आ गई तैयार होके, और मखलूक आपको पता है बड़ी फनकार है, एक शायर ने कहा था मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, ये संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबा भी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। लोग थोड़ी बाज आते हैं, वो तवायफ थी, वो तैयार होके आ गई। हजरत जुमे की नमाज़ पढ़ा के नीचे उतर रहे थे तो हज़ारों का मजमा था, इधर भी लोग इधर भी लोग बातें सुनते जा रहे हैं और रास्ता बनता जा रहा है। सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो वो बन सवर के सज के सामने आके खड़ी हो तैयार है। सलाम के बाद गुफ्तगू इस तरह उसने शुरू की जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली, तबीयत कैसी है, वो कमर में दर्द था, उसका क्या हाल है। कच्चे पक्के मुरीद हर दौर में मिलते हैं, कच्चे पक्के मुरीद हर दौर में मिलते हैं। जो कच्चे पक्के थे वो सोचने लग गए कि बाबा रात को कहाँ होता है, न तो कभी पूछा ही नहीं ये किधर होते हैं रात। तो फौरन कहने लगी वजू माफ़ करना, इस वक्त आना मजबूरी थी, वो रात जब आए थे ना आप मेरे कोठे पे तो खोटे सिक्के दे गए, अंधेरा था, अभी बाजार गई हूँ तो दुकानदार ने लिए नहीं, तो हुजूर ये खोटे सिक्के रख लें, मैंने सौदा लेना है। रब करीम अपने बंदों को बहुत बड़ा हौसला देता है, दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने, बहुत बड़ा ज़रफ़ होता है इन लोगों का बड़ा। उसने जब अपनी पूरी अदाकारी कर ली तो हज़रत फ़ख्र जहाँ देलवी ने जेब में हाथ डाला, असली सिक्के निकाले और उसकी तरफ बढ़ा के ना तो तीन दफ़ा फरमाया बेटी ओ मेरी बेटी ओ मेरी बेटी, खोटे सिक्के दे जा पुत्र असली वाले ले जा, और दोबारा ज़रूरत पड़े ना तो परेशान ना होना आ जाना, फ़ख्र जहाँ का दरवाज़ा तुम्हें खुला हुआ मिलेगा। ये लफ्ज़ कह के ना तो तेज़ी के साथ हजरत तेज़ी के साथ सीढ़ियाँ उतर गए। चंद मिनट वो सख्ते में रही, चंद मिनट सख्ते में रही और फिर दौड़ के आई। हजरत अभी जा रहे थे आगे से आके ना तो पैरों में बैठ गई और इस दर्द से रोई कि सख्त दिल लोग भी रो पड़े। कहने लगी ओ बाबा ये बता तो किस मिट्टी का बना है, किस संदल और किस कस्तूरी से तेरा वजूद बना है। मैं वो बीबी, इसे कभी किसी ने बेटी समझा ही नहीं, बहन समझा ही नहीं, सारा दिल्ली मुझ पर गंदी नजरें डालता है, बाबा तू किस संदल का बना है, मैं तुझे बदनाम करने आई थी और तूने मुझे लिथड़ी हुई को बेटी बना लिया है और तीन दफा बेटी कह दिया। ये लफ्ज़ कहे, नकाब उठाया
और अपने चेहरे पे ओढ़ा, कहने लगी अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी कैसी होती है। अब तवायफ का कोठा समझ के ना आना, अपने मकान को मस्जिद बनाऊंगी, कयामत तक वहां से मोहम्मद अरबी के नाम की अदाने पड़ेंगी। वो मेरे भाई, अगर इतना छोटा सर्फ रखोगे तो बहुत सारी दुनिया तो वैसे निकल जाए। थोड़ा हौसला, थोड़ा जरफ और थोड़ा ना जायका लेना सीखें, बस करें। अब कितनी देर तक हम सिर्फ सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ज़माना बीत गया ना बताते हुए कि एक हरफ पढ़े कुरान पाक का तो 10 नेकियां मिलती, तो पढ़ना किस दिन है? बोले हजरत फखर जहां देलवी। और ये हजरत फखर जहां देलवी ये मुहार शरीफ वालों के पीर हैं दिल्ली में। और मज़े की बात यह है, मैं दिल्ली में जब हाजिर हुआ तो मैं उनके मज़ार पे गया तो पता लिखा क्या वहाँ, हज़रत मौलाना फखर जहां देलवी। मैं क्या साढ़े पाकिस्तान से हज़रत मौलाना नो पीर मन दे ही कोई नहीं, वो तो हज़रत मौलाना का पीर से क्या था लोग, जो हज़रत मौलाना हो वो तो पीर नहीं, उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो कभी मौलाना ना हो। अल्लाह खैर करे सारे इल्म दुनिया वाले इल्ला माशाल्लाह, हम इन चीज़ों के कायल हैं। पर देखो ना, अगर मेरे नबी दीन पढ़ाते थे और सहाबा पढ़ते थे तो दीन पढ़ने पढ़ाने को तुम तरीकत समझते ही नहीं, यही तो हुसन है सारे का सारा, यही तो वकार है। अल्लाह करे इस तरह के आस्थाने हों जहाँ दरसे निज़ामी वालों की दस्तारें हो रही हैं, या हाफिज़ों की दस्तारें हो रही हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन तो कह दें। हज़रत मौलाना फ़खर जहाँ देलवी जामे मस्जिद दिल्ली में खुतबा देते थे, बहुत बड़े सूफ़ी थे, और अल्लाह ने उन्हें करामत अता फरमाई थी कि उनके सामने जो शख्स आता था ना, उसे बताना नहीं पड़ता था कि मेरे दिल में क्या है। बंदा आके खड़ा होता तो हाथ उठा देते, कहते या अल्लाह ये बे औलाद है, दुआ कराने आया है। और अब मेरा सुन्नी भी दलील से मानता है ना, अब इसे भी दलील देनी पड़ती है, अब मैं दलील दूंगा तो आप मान जाएंगे। तिर्मिज़ी में हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मोमिन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। जो बंदा सामने खड़ा होता ना, तो हजरत शेख फखर जहां देल भी फरमाते ए अल्लाह बे औलाद है, दुआ कराने आया। दूसरा आता तो कहते अल्लाह बेरोजगार है, दुआ कराने आया। शोहरत बड़ी हो गई, जब किसी साले आदमी की शोहरत ज्यादा होती है तो हासदीन भी पैदा होते हैं। बादशाह वक्त को परेशानी लग गई कि ये मौलाना पीर अगर मजबूत हो गए मेरी हुकूमत के लिए खतरा ही ना बन जाए। उन्होंने एक चाल चली, तवायफ थी दिल्ली की, उसको कुछ पैसे दिए, उसे कहा तूने एक्टिंग करनी है और इस बाबे को बदनाम करना है किसी भी तरीके से। वो आ गई तैयार होके, और मखलूक आपको पता है बड़ी फनकार है। एक शायर ने कहा था मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, ये संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। लोग थोड़ी बात आते हैं, वो तवायफ थी, वो तैयार होके आ गई। हजरत जुमे की नमाज पढ़ा के नीचे उतर रहे थे तो हज़ारों का मजमा था, इधर भी लोग इधर भी लोग बातें सुनते जा रहे हैं और रास्ता बनता जा रहा है। सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो वो बन सवर के सज के सामने आके खड़ी हो, तैयार है। सलाम के बाद गुफ्तगू इस तरह उसने शुरू की जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली, तबीयत कैसी है, वो कमर में दर्द था, उसका क्या हाल है। कच्चे पक्के मुरीद हर दौर में मिलते हैं, कच्चे पक्के मुरीद हर दौर में मिलते हैं। जो कच्चे पक्के थे वो सोचने लग गए कि बाबा रात को कहाँ होता है, ना तो कभी पूछा ही नहीं ये किधर होते हैं रात को। तो फौरन कहने लगी हुजूर माफ़ करना, इस वक्त आना मजबूरी थी, वो रात जब आए थे ना आप मेरे कोठे पे तो खोटे सिक्के दे गए, अंधेरा था, अभी बाजार गई हूँ तो दुकानदार ने लिए नहीं, तो हुजूर ये खोटे सिक्के रख लें, मैंने सौदा लेना है। रब करीम अपने बंदों को बहुत बड़ा हौसला देता है। दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने, बहुत बड़ा जरफ होता है इन लोगों का बड़ा। उसने जब अपनी पूरी अदाकारी कर ली तो हजरत फखर जहां देलवी ने जेब में हाथ डाला, असली सिक्के निकाले और उसकी तरफ बढ़ा के ना तो तीन दफा फरमाया बेटी ओ मेरी बेटी ओ मेरी बेटी, छोटे सिक्के दे जा पुत्र असली वाले लेगा, और दोबारा जरूरत पड़े ना तो परेशान ना होना आ जाना, फखर जहां का दरवाजा तुम्हें खुला हुआ मिलेगा। ये लफ्ज कह के ना तो तेजी के साथ हजरत तेजी के साथ सीढ़ियां उतर गए। चंद मिनट वो सख्ते में रही, चंद मिनट सख्ते में रही,
और फिर दौड़ के आई। हजरत अभी जा रहे थे, आगे से आके ना तो पैरों में बैठ गई और इस दर्द से रोई कि सख्त दिल लोग भी रो पड़े। कहने लगी, ओ बाबा ये बता तो किस मिट्टी का बना है, किस संदल और किस कस्तूरी से तेरा वजूद बना है। मैं वो बीबी, इसे कभी किसी ने बेटी समझा ही नहीं, बहन समझा ही नहीं, सारा दिल्ली मुझ पर गंदी नजरें डालता है। बाबा तू किस संदल का बना है, मैं तुझे बदनाम करने आई थी और तूने मुझे लिथड़ी हुई को बेटी बना लिया है और 3 दफा बेटी कह दिया। ये लफ्ज कहे नकाब उठाया और अपने चेहरे पे ओढ़ा। कहने लगी, अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी कैसी होती है। अब तवायफ का कोठा समझ के ना आना, अपने मकान को मस्जिद बनाऊंगी, कयामत तक वहां से मोहम्मद अरबी के नाम की अदाने पड़ी गई। वो मेरे भाई, अगर इतना छोटा सर्फ रखोगे तो बहुत सारी दुनिया तो वैसे निकल जाए। थोड़ा हौसला, थोड़ा जरब और थोड़ा ना जायका लेना सीखें, बस करें। अब कितनी देर तक हम सिर्फ सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जमाना बीत गया ना बताते हुए कि एक हरफ पढ़े कुरान पाक का तो 10 नेकियां मिलती, तो पढ़ना किस दिन है, बोले।